तो सबको कलेजी वगैरह फेवरेट है, कलेजी कलेजी हाँ, और इडली। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। आज मैं सुबह में जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज जल्दी उठ के जल्दी ब्लॉग करूँ, और मम्मी भी यहाँ यही भी है बैठी हुई। आज जो थंबनेल देख कर आए वही होने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट ही देखिएगा। और क्या हुआ था ना कि कल मैं दो दिन से ट्रेवलिंग में था, दो दिन से ट्रेन पे, तो ट्रेन पे सही तरह से सो नहीं पाया था, तो घर पे आया रात को, सुबह जल्दी सो गया, इस वजह से वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाया। तो सुबह जल्दी उठकर वीडियो एडिटिंग करना पड़ा, और वीडियो एडिटिंग करके जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट किए। तो आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट ही देखिएगा। शिवम तो अभी गोदी पर चढ़ा हुआ दादी के, देखिए। हाय बोलो, हाय शिवम बोलो, हाय हाय। सबसे पहले इससे मिलिए, बोलो हेलो। इधर देखिए सबका क्या हाल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बात आप नोटिस करते हैं आप लोग, भी हम इसको आपको दिखाते हैं तो ये खाते ही रहता है। इधर से ये देखिए क्या कर रहा है शिवम, खन कर रहा है। ये देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, ये बंदा नॉर्मली ऐसे बहुत अच्छा बोलता है, जब भी इसके साथ मैं ऐसे कैमरा भी उड़ाता हूँ तो ये डर जाता है। डरता क्यों है? नहीं, मुड़ी डलाता है। आपको बना था खीर पोड़ी, तो सुबह खा रहे हैं, बच गया था इसके वजह से। और इधर ये सही हुई थी, कर्मा कर रही थी ना, तो इस वजह से खीर खत्म नहीं हुआ था। अगर ये खाती तो कल ही ये खत्म हो जाता खीर। अगर मम्मी हेलो गुड मॉर्निंग बोल दो मम्मी, मम्मी को मैं आज रोक कर रखा था कि कहीं नहीं जाना, आज वीडियो सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सॉरी, अभी बगल में म्यूजिक बज रहा है, इसके थोड़ा सा आप लोगों को म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। ये घोड़ा दरिया और मुंह कम दरिया खा लीजिए। अच्छा, खाना खाने के लिए घोड़ा धोना जरूरी है? नहीं, धोना जरूरी है, मुंह धोना जरूरी है, घोड़ा धोना जरूरी है, सब जरूरी है। अच्छा देखिए, प्रोर जो आग में सिंझाया गया, इसका क्या बनेगा दादी? चटनी। हाँ, इसका चटनी बनाएंगे, एक नंबर लगता है चटनी। दादा दादी का प्यारा है, देखिए लिखा है कद्दू ले गया है। कद्दू गया था क्लास करने, ले आया कद्दू, मिल गया तो क्या करें, लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो जा कर दो सब्जी बनाने के लिए। आज तू बनाना सब्जी, संतोष बनाने आता है ना? नहीं बनाना आता है। इसको देना, बना देना पूरा सब्जी। अच्छा अच्छा, लाइन वगैरह कट गया, तो घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, तो गर्मी जब भी लगता है तो ये देख सकते थे पीपल का पेड़ है इधर खुले में, बहुत शानदार हवा लगता है बाहर में, तो यहीं पर आकर आराम से बैठ जाते हैं, फिर बैठकर वीडियो अपलोड कर रहे थे, क्योंकि घर में भी नेटवर्क नहीं पकड़ता। घर में वो छत है, तो छत पे ज्यादा कोने में वीडियो अपलोड करते हैं, नहीं तो उस घर के छत पे, और नहीं तो तीसरा जगह यहाँ पे, नेटवर्क अच्छा चलता है। बाकी यहाँ का नजारा देखो गाइस, बहुत ही शानदार है। तो गाइज एक चीज, थोड़ा सा के लिए मैं डिमोटिवेट हो जाती है, अभी लोग बोलने में ना बहुत कुछ बोलते हैं, तो कभी कभी ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कभी कभी सोचता हूँ। आप लोग मेरे फैमिली के जैसे हो, अगर मुझे ये लगता है कि मैं जो भी दिखा रहा हूँ रियलिटी दिखा रहा हूँ, अगर जो भी लोग गाँव से है, हमारे क्लास के लोग हैं, सब रियलेट करते हैं आप लोग, इसलिए मैं आप लोग ये सब चीज दिखाता हूँ, और मुझे काफी अच्छा भी लगता है। मैं कर रहा हूँ वो आप लोग को दिखाऊँ, रियलिटी दिखाऊँ, बस यही चाहता हूँ। भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। अब लेकर चलता हूँ आप लोगों को जमशेदपुर सावन भैया के घर पे, तो यहाँ से स्टार्ट होता है सावन भैया का घर का, जो मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, चिकन पार्टी किए थे, तो चीज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 20K के है, और हाँ आप लोग कमेंट कर रहे थे 10K सेलिब्रेशन, तो आज करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद 10K का सेलिब्रेशन का वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप बाहर चले गए थे तो शायद टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से नेक्स्ट 10K का सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे, तो अब करेंगे, तो वेट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब सावन भैया के घर पे चलते हैं, और इंजॉय कीजिए आप लोग ब्लॉग। हम लोग अभी सावन भैया के घर ही पे रुके हुए हैं, एंड अभी रुके हुए थे सावन भैया के घर पे। इधर देखिए पापा जी क्या लाए हैं, एंड समोसा लाए, और ये कोल्ड ड्रिंक है घर, सब लोग चप्पू लाओ, चप्पू दो तो ऐसे नहीं फट रहा। तो हम लोग आए थे, थोड़ा मार्केट कुछ काम है पर्सनली, गिफ्ट डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को उनके घर पे मिलते हैं। देखिए मम्मी जी क्या चिकन बनाई है, निकाल के इधर रखी हुई है, देख सकते हैं इधर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं खाने, तो मम्मी जी लेकर चले आए हैं, क्या लाए मम्मी जी? भात लाए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए पवन भैया भी ले आए हैं चावल हम लोगों के लिए, और रखे हुए हैं उनसे। मम्मी जी प्यारी सी माता श्री, अभी देखिए चिकन बनाए। अच्छा ये जैसा भी बनाया मेरे अच्छे एकदम, बहुत अच्छे से किया है, टेस्टी बताइएगा। इधर प्यारे हाथों से बनाई है, टेस्टी। रखो इसको, रखो तुम इसको, रखो। इतना लाए हैं क्या होगा? अरे यार तू तो देगा ना, सबको देगा। चलो उसका फेवरेट चीज है सावन भैया का, फेवरेट है ये।
अच्छा ये देख सकते हैं सावन भैया का फेवरेट है, पानी तो सबको कलेजी वगैरह फेवरेट है, कलेजी कलेजी और इडली वगैरह पसंद। हाँ ये तो हम लोग को भी साउथ इंडियन बोलते हैं। इडली कल 15 तो खाए कल, हाँ पवन के साथ, तो साउथ इंडियन बोलने लगे। आज खाना वाना मस्त खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं और एक दिन रुके, काफी अच्छा लगा सावन भैया के पास। हम भी जा रहे हैं। सब लड़का आगे बढ़े, बुकिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये भी जा रहे हैं, तो लास्ट टाइम सावन भैया के साथ। ठीक है तो भैया कब मिलेंगे, अब तो फिलहाल अभी तो देखिए देखते हैं मम्मी पापा ऐसा आएंगे तो सबसे मिल लेंगे, बिहार जरूर इंटर करेंगे हम, लेकिन सच में जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा रिलेट हो रहा है कि लगता है हम अपने घर में ही हैं, तो बहुत दुखी हो रहा है जाने में। हाँ मम्मी जी उधर भी बोल क्या कर सकते हैं ना, मंजिल के लिए निकलना पड़ता है। हाँ ये तो बात सही है, तो अभी निकलते हैं गाइस। मैं सावन भैया बाय, जाने का मन नहीं कर रहा, बस ठीक है बस चल। अरे बैग बैग कर दीजिएगा, निकल गए। चलिए भैया फिर मिलेंगे, इधर इसी तरह बना रहे, फिर आएंगे। बाय राजा भैया, जाने का मन नहीं कर रहा। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। तो सबसे कीमती वक्त निकालकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता है आपका भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।